Want them? Love elders, love seniors, respect seniors. जहाँ बड़ों का मान नहीं सम्मान नहीं वहाँ भगवान का मान नहीं, जहाँ बड़ों का सम्मान नहीं वरिष्ठ नागरिक दिवस सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है और इस वर्ष हमारे छन्नी हिम्मत त्रिपटा नगर सैनिक कॉलोनी में सीनियर सिटीजन सर्विस स्पोर्ट्स क्लब है जिसके फाउंडर डॉक्टर कस्तूरी लाल एक्स प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं, उन्होंने बनाया हुआ है और आज एक रैली का आयोजन किया गया है जो रैली यहाँ छन्नी हिम्मत पार्किंग दयाल हाउस से ले कर पूरे रास्ते को कवर करते हुए पंच मंदिर तक जाएगी। तो लोगों को संदेश देने के लिए है कि वरिष्ठ नागरिक आपके लिए एक वरदान है। कहते हैं कुछ पल बैठा करो बुज़ुर्गों के साथ, गूगल पे हर चीज़ नहीं मिलती। नीचे गिरे हुए पत्तों को अदब से चलना जनाब, कभी कड़ी धूप में तुमने इन्हीं से पना ली थी। पसीना उम्र भर का उनकी गोद में सूख जाए, जो जीवन साथी होता है उसके लिए है, पसीना उम्र भर का उनकी गोद में सूख जाए, हम सफ़र क्या चीज़ है ये बुढ़ापे में समझ आता है। देखना कभी नम ना हो घर के बुज़ुर्गों की आंखें, देखना कभी नम ना हो घर के बुज़ुर्गों की आंखें, छत से पानी टपके तो दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर उन लोगों की देखभाल करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है, कर्तव्य भी है जिन्होंने हमारी देखभाल की। आइए उन बुज़ुर्गों की सेवा का हम संकल्प लें। सभी वरिष्ठ नागरिकों आदर पूर्वक अभिनंदन। इस दिवस पर वृद्ध लोगों को प्रभावित करने का, कारकों का मुद्दों के बारे में जागरूकता देने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है ताकि बच्चों को जवानों को सब तक ये मैसेज जाए कि भाई बुज़ुर्ग जो है हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करना हमारा काम है। लव सीनियर्स, लव सीनियर्स, लव एल्डर्स, लव एल्डर्स। थैंक यू। मैं जितने भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आज सीनियर सिटीजन्स डे है जो कि हमने कल इसकी ईद सेलिब्रेट की है सीनियर सिटीजन सर्विस सपोर्ट क्लब चुहादी में, जहाँ सब एक सेमिनार का आयोजन किया गया और साथ में सभी लोगों ने वहाँ पे एक फ्री डिनर कह लो एंड हाई टी का प्रबंध किया गया था और जिसमें सब लोगों ने बड़े अच्छे से आपस में इंटरेक्शन की। सोशल एंड सिविल सोसाइटीज़ के लोग इस पे, इस मुद्दे पे चर्चा हुई कि कैसे हम इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे इनको और सुविधाजनक बना सकते हैं। और आज यहाँ पे एक रैली का आयोजन किया गया है सीनियर सिटीजन सपोर्ट क्लब की पूरी टीम, जिसकी कि फाउंडर चेयरपर्सन है डॉक्टर कस्तूरी लाल महाजन। एंड ये दयाल बेकरी से शुरू होकर छन्नी हिम्मत से ये गीतांजलि तक जाएगी। इसमें नवीन शिक्षा केंद्र के बच्चे हमारे साथ इस रैली में
बुजुर्गों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ नन्हे मुन्ने बच्चे ये रैली लेके जाएंगे। और जैसे कि हमने देखा है, जो अपना जो सेंसस बोलता है कि हर 10 आदमियों के बीच में एक सीनियर सिटीजन है, सो इसका जो राइज है वो बहुत ज़्यादा है। हर घर में एक बुज़ुर्ग है जिसको कि हम बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं, और उनकी बस रिस्पेक्ट की जाए, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको मद्देनज़र रख कर थोड़ी नम्रता से उनसे पेश आया जाए। और सोसाइटी में एक इनके लिए एक नंबर लॉन्च हुआ है जो कि हेल्पलाइन नंबर है 14567। मैं दोबारा बोलूँगी 14567, जो कि हर बुज़ुर्ग को याद होना चाहिए। कुछ डायमेंशिया के पेशेंट्स हैं, कुछ अल्जाइमर्स के हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उनको निगलेक्ट नहीं किया जाए, कि घर में उनको बिल्कुल सिक्लूड किया जाए, उनको इंक्लूड करें और पुरानी बातों से प्यार मोहब्बत से उनके साथ रहा जाए। थैंक यू। हाँ, यहाँ पर हम सब सीनियर सिटीजन क्लब चुवादी के मेंबर्स इकट्ठे हुए हैं और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मना रहे हैं। यहाँ से हमारी रैली स्टार्ट होगी, जो यहाँ से शुरू होकर पंच मंदिर जाकर कंक्लूड हो जाएगी। इस रैली में हमारे साथ बच्चे भी शामिल हैं, जो जिनको हमने बताना है कि मतलब कि बड़ों के लिए, बड़ों की इज्जत करो और घर में सम्मान का एक माहौल बनाओ। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को संस्कार दो, ताकि कि वो आने वाले टाइम में इस समाज के लिए एक बड़ा अच्छा असेट साबित हो। थैंक यू। आज 21 अगस्त एक वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है और पूरी दुनिया में बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आज का दिन बेसिकली हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, ताकि एक अवेयरनेस फैला सकें पूरी सोसाइटी में कि सीनियर सिटीज़न के प्रति जूनियर सोसाइटी का काफ़ी रोल है, और जूनियर सोसाइटी वाले भी स्कूल के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, जो हमें बेसिकली ये एक यकीन दिलाने के लिए कि वो हमारे साथ हैं, हमें प्यार करते हैं, और यही संस्कार पूरी वर्ल्ड में फैलते रहे, ताकि जो सीनियर सिटीज़न हैं वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। यही आज का एक मेन मकसद है।